हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉगिंग विथ मंजेश। और स्वागत करता हूँ एक और पुराने ब्लॉग में। और पुराने इसलिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड थी और इसे डिलीट किया गया, इसलिए मैं दोबारा इसे पोस्ट कर रहा हूँ मजबूरन। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये वीडियो जो आपने शायद देखी होगी, कहीं ना कहीं एक कस्टमर केयर प्रैंक था जो मैंने अपने ही ऑफिस में अपने ही स्टाफ के साथ किया था, अपने मतलब बैचमेट के साथ किया था। तो इस वीडियो को मेरे मैनेजर ने देखा, टीएल वगैरह सब ने देखा। उन्होंने देखकर फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बंदा जो कि रूल्स के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है तो ये गलत है, और इसलिए मुझे उस जॉब से रिजाइन देना पड़ा। वो आप रिजाइन लेटर भी देख सकते हो। तो अभी तो मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, पर दुख इस बात का नहीं कि मैंने उस जॉब से रिजाइन दिया या मुझे जॉब से निकाला गया, क्योंकि हमें क्या जॉब करना ही है और कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही है, ना कोई डिग्री है ना कुछ, तो हम कहीं से स्टार्ट कर लेंगे। पर इस जॉब से निकालते टाइम ना मेरे मैनेजर ने मुझसे फ़ोन पकड़ा और मेरे यूट्यूब से कुछ वीडियोस डिलीट करी, जिसमें से भी ये एक वीडियो थी जिसकी वजह से मेजर इशू हुआ था ये। और इसके साथ साथ लगभग मेरे 1.5-2 महीने की वीडियोस और भी डिलीट हुई हैं। वो बहुत दुख का कारण है मेरे लिए, और यही कारण है कि मैं मजबूरन इस वीडियो को दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़ोरदार चले, मतलब एक तरह से चल जाए, बस फाड़ कर चल जाए, मज़ा आ जाएगा। 5 मिनट के बाद कॉल लग चुकी है। अभी जिस भी एजेंट से बात होगी, हम देखते हैं क्या होता है, कौन किसके पास जाती है, और शायद मैं उनको जानता भी हूँ, तो फिर अगर मेरे नॉन में हुए तो हम फिजिकली भी मिलेंगे उनसे। पर देखते हैं, अभी जिसके पास भी कॉल जा रही है खुल बकचोदी करनी है। कर दो ट्रांसफर यार। वेटिंग किया बोलते हैं। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं कशिश, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम, क्या नाम बताया आपने? कशिश। मैम चेक करना ज़रा ना, एक मेरे नंबर पे ना सडनली कभी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। सर आपकी आवाज़ें कट कट के आ रही हैं। मैम सडनली कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं मेरे नंबर पे, और फिर नॉन स्टॉप कॉल्स आती हैं। और अदर मैम कंपनी की तरफ से नहीं कह सकता, अदर अदर कंट्री से, अदर अदर साइट से, अदर अदर एप्लीकेशन से, कहीं से भी आती रहती हैं। ठीक है सर, इसके लिए आप जो अपने फोन में DND एक्टिवेट करवा दीजिए। अरे मैम देख तो लो, वो DND तो ऑलरेडी एक्टिवेट है। हाँ जी, DND एक्टिवेट है कशिश जी। इसी नंबर पर प्रॉब्लम आ रही है ना आपको? जी, इस नंबर पर सर DND एक्टिवेट नहीं है। मैम ठीक से चेक करो यार, मैंने पिछली बार, आप देखो ना कितनी बार कॉल करा हुआ है मैंने। हाँ जी सर, बट इसमें DND आपके एक्टिवेट नहीं है। आपको एटा सेंटर डाउनलोड करने के बाद जो मैंने करा है वहाँ से ही करा है, फिर SMS भी करा है, और फिर आपके किसी एजेंट से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि ऐसे यहाँ से मैं भी कर देता हूँ, फिर उन्होंने भी करा था, विवेक जी थे कोई। यहाँ से DND एक्टिवेट वगैरह नहीं होती है, यहाँ से अभी DND एक्टिवेट है ही नहीं है सर। उसके लिए आपको DND एक्टिवेट करनी होगी, तभी जो आपके फोन में कॉल वगैरह आना बंद हो गए। नहीं यार, DND मैंने एक्टिवेट करी थी। क्या बात कर रहे हो यार, मैं पिछले 2 हफ्ते से परेशान हूँ, मैं डेली कॉल कर रहा हूँ इस बात के लिए, आप लोग सोल्यूशन नहीं दे रहे हो यार। नंबर सुन लीजिए पहले, 7340791135। बिल्कुल, इसमें DND एक्टिवेट नहीं है सर। मैम DND तो मैंने एक्टिवेट करी थी, बाकी आप चेक करो, जैसे भी बंद करना है करो, मुझे नहीं पता। मैं चेक करके ही बता रही हूँ आपके फोन पे जो है DND, तो आप खुद एक्टिवेट कर दो यार, मैं नहीं कर रहा फिर अब, क्योंकि मेरे करने से तो हो नहीं रहा है सर। यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए सर आप जो 1909 पे कॉल कर दीजिए। मैम मैंने SMS भी करा है, कॉल भी करा है, एयरटेल थैंक्स ऐप से भी करा है इसे, बट सर आपके DND एक्टिवेट है। तो अब बताओ ना, मेरा ये थोड़ा मेरी इशू थोड़ी है, मैं तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। सर मैं आपको बताती हूँ आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। आप अपने डेटा सेंटर ऐप ओपन करिए अपना। हाँ जी कर लिया। ठीक है, आपको फुल DND लगवानी है या पार्सल DND? फुल DND लगवा दो ना, मुझे कॉल्स नहीं चाहिए। और पार्सल क्या होता है? फुल DND से तो फुल लोड लग जाते हैं, पार्सल से जो है कुछ कुछ कॉल आना बंद होते हैं। तो मुझे तो बंद कराना है ना, कुछ कुछ आना क्यों, कुछ कुछ क्यों आएंगी, मुझे टोटल बंद करानी है। ठीक है,
ठीक है सर, आप सबसे पहले जो है एटा थैंक्स ऐप ओपन करके सर्विस पे क्लिक कीजिए। जी सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो है आप डी एन डी में क्लिक करिए। हाँ जी। डी एन डी में क्लिक करने के बाद मैनेज में क्लिक करिए। हाँ जी। मैनेज में क्लिक करने के बाद आपको पाएगा ब्लॉक ऑल ऑप्शन, उसमें क्लिक कीजिए। तो वो ऑन ही है मैम। हाँ जी ऑन ही दिखा रहा है मैम मेरे पास। बस सर यहाँ पे वार्निंग वाली फीचर ट्राई कर लीजिए और ब्लॉक ऑल ऑप्शन करने के बाद सबमिट कर लीजिए। और यार पिछली बार विवेक जी भी ऐसे ही बता रहे थे कि ऐसे कर लो, और फिर वो बोल रहे हैं चलो ठीक है आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दे रहा हूँ, और बाद में पता लगा सीनियर से बात की तो वो बता रहे हैं कि नहीं डी एन डी यहाँ से एक्टिवेट नहीं होती, सेल्फ सर्विस है तो ये खुद ही करना पड़ता है। ठीक है सर, अगर आपकी जो एक्टिवेट नहीं होगी तो यहाँ से मैं कंप्लेंट कर देती हूँ, उसके थ्रू एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। तो कंप्लेंट से क्या होगा मैम, कंप्लेंट तो उस बार भी करी थी उन्होंने, फिर आपके सीनियर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात करी थी ना, उसी से डी एन डी एक्टिवेट होती है, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है ना। कशिश आपको जो करना है करो, मुझे कॉल्स नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। आप मुझे ये कॉल्स बंद करा के दो, अभी भी मेरे पास कॉल्स आ रही है। आपको सर होते हैं क्या? नहीं होता है सर, उसके लिए आपको डी एन डी एक्टिवेट करनी होती है। बस यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपकी डी एन डी एक्टिवेट है, बट यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि आपकी डी एन डी जो एक्टिवेट नहीं है आपके फॉर्म में। तो फिर इसका मतलब आपका सर्वर खराब है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको क्या ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। अब बताओ ना, मैंने ईमेल भी रजिस्टर करनी थी नंबर पे, वो एयरटेल थैंक्स ऐप से करी हुई है, वो भी नहीं हुई है रजिस्टर्ड अब तक, आपको पता है? सर अगर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है एक बार जो है 1909 पे कॉल कर दीजिए, बाकी मैं यहाँ से कंपनी रजिस्टर कर देती हूं, सब कुछ कर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मैम, सब कुछ करके ही मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, और एक्चुअली पिछले दो हफ्ते से कंप्लेंट पहले भी करी हुई है मैम। सर नहीं हुई आपके पहले कंप्लेंट? पिछले दो हफ्ते से कंप्लेंट ही करवा रहा हूँ मैं कॉल करके, मुझे सिर्फ ये कॉल्स बंद करानी है, इसे बंद करो आप जैसे मर्जी करो, मैं फोन नहीं रख रहा जब तक मेरा कॉल्स नहीं बंद हो रही। इसका कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी आने शुरू हो जाते हैं और ये खुद ही बंद होते हैं, मुझे फोन बंद करके सोना पड़ता है कई कई बार, तो एक दिन रात को 2 बजे कॉल्स आनी शुरू हुई, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप आती ही गई कॉल्स। सर जब हमारे पास दिखा रहा है कि आपके फोन में जो है डी एन डी एक्टिवेट है ही नहीं है, उसके लिए आपको डी एन डी एक्टिवेट करनी पड़ेगी ना, तभी तो कॉल आना बंद होगी, यहाँ से जो आपके फोन में डी एन डी एक्टिवेट नहीं होगी। तो मुझे आप बता दो इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि आपको कैसे कैसे डिटेल्स तो मैम आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने बताया ना। आप देखो पहले मेरी विवेक से बात हुई, फिर रितिका से बात हुई, फिर किसी कनिका मैम से बात हुई थी, पर कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉल तो फिर भी आ रही है। सर आपके फोन में प्रॉब्लम होगी, उसमें फोन चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा जी, सर यहाँ से जितनी डिटेल है ना सर मैंने आपको बता दी है। एक मिनट मुझे ये बताओ, फोन से डी एन डी का क्या लेना देना, और फोन से कॉल्स का क्या लेना है? नंबर से लेना देना है ना, नंबर से कॉल आ रही है, फोन पे थोड़ी आ रही है। सर सुन लीजिए एक बार, आप जो अपना फोन इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करके चेक कर लीजिए, बाकी सर यहाँ से कोई इशू नहीं है। मैंने सब कर लिया है सर, मैंने आपको बता दिया है हो सकता है सर, हमने सब कुछ क्या कर रही हो यार, मैंने सब कुछ कर लिया है डी एन डी एक्टिवेट करने के लिए, मैंने 3-4 बार खुद ट्राई किया, आपसे भी ट्राई कराया, ऐप डिलीट करके डाउनलोड करके फिर से भी कर लिया, कॉल भी कर लिया, एसएमएस भी कर लिया, कर दिया है सर, नहीं हो रहा है तो सर इसमें आप अपने फोन में चेक कर लीजिए, यहाँ से कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आप ये बताओ मुझे? सर हमने जितनी हमारे इन्फॉर्मेशन थी हमने बता दी है सर आपको। ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं क्या करूंगा जब मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है मैम? सर मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि कैसे कैसे डी एन डी लगती है, किस नंबर पर कॉल करनी है। बेशक आप सही जानकारी दे रही हो, हमने सर सब कुछ कर दिया, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप अपने फोन में चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। मैं क्या चेक कर लूँ यहाँ से, आप मुझे ये बता दो मैम, मैं यहाँ से क्या चेक कर लूँ ये बताओ मुझे। सर अपने फोन में चेक कर लीजिए, आप एयरटेल थैंक्स ऐप में चेक कर लीजिए, बाकी यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। मैम क्या चेक करूँ मैं अपने फोन में एयरटेल थैंक्स ऐप से, क्या चेक करूँ मैं, चेक करके बता तो रहा हूँ डीएनडी एक्टिवेट है। पिन इंस्टॉल करके चेक कर लीजिए। मैम वो 3 बार कर चुका हूँ मैं, आप समझ क्यों नहीं रही हो? सर मैं समझ रही हूँ, तभी आपको बता रही हूँ। फिर वही सेम बात रिपीट कर रही हो आप, डिटेल बता दिए कि कैसे लगाना है, कि कंप्लेंट करवानी तो कंप्लेंट भी रजिस्टर हो चुकी है मैम, आप सेम बात रिपीट कर रही हो, आप फिर भी नहीं मान रहे हो। मैम मैं नहीं आपको, मैंने लगभग 2 हफ्ते के वेट करने के बाद ये मैं इस जिद पे अड़ा हूँ आज, मैं दो हफ्ते से कर रहा हूँ ये सेम काम, आप समझ नहीं रही। आप ऐसा करो यार, आपसे नहीं हो रहा, आप अपने सीनियर से बात कराओ मेरी, समझते ही नहीं हो।
अरे म्यूट कर दिया। ठीक है सर, आपकी जो कॉल है वो सीनियर को ट्रांसफर की जा रही है, तो मैं कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका, पिक कर लूंगा। गाइस आखिर हमने 7 मिनट की कॉल ली, जो एक एजेंट के अलाउड नहीं होता, 2 मिनट की कॉल अलाउड होती है। आगे हम देखते हैं एजेंट के, ओ सॉरी सीनियर से क्या करने वाले हैं। एंड तो मैं जा रहा है यहां। चुप हो। नमस्कार, लाइन होल्ड रखने के लिए धन्यवाद, आपकी कॉल ट्रांसफर हो चुकी है। एजेंट सीनियर पर आज कंचन सर की बात हो रही है। कंचन जी मेरी प्रॉब्लम देखिए, मेरा ना DND एक्टिवेट करना था इस नंबर पे, पिछले 2 हफ्ते से DND नहीं एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों से। इसी नंबर पे जिसे कॉल कर रही हूँ आप? जी बिल्कुल। तो सर आपको एक मैसेज यहाँ से बताया गया होगा, वो मैसेज आपने मोहतरमा मैंने SMS भी कर लिया, कॉल भी कर लिया, एयरटेल थैंक्स ऐप से भी 3-4 बार कर लिया, इवन मैंने ईमेल भी अप्लाई करने के लिए भी वो कोशिश करी थी एयरटेल थैंक्स ऐप से, वो भी नहीं हो रहा। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज अपने फोन में आपने क्या मैसेज टाइप किया था सर? स्टार्ट स्पेस डालकर DND। हाँ जी। वो सर सेंड कर दिया था 19:09 पे। तो जो आपने मैसेज लिखा था सर, कैपिटल लेटर में लिखा था आपने? कैपिटल में ही था मैम, स्टार्ट कैपिटल में था। स्टार्ट स्पेस डालकर DND। जी। और कब सेंड किया था आपने ये मैसेज? मैम पिछले 2 हफ्ते से मैं कॉल कर रहा हूँ आपको इसके रिगार्डिंग, इससे पहले मैंने कई बार ट्राई करा था और उसके बाद अब ट्राई करना ही छोड़ दिया मैंने, अब आपके हैंड में ही है जो है। मुझे आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मैसेज सेंड किया था तो उसके बाद यहाँ से कंप्लेंट मेंशन हुई है सर, इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ से कंप्लेंट। हाँ मुझे पता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, पिछले 2 हफ्ते में कितने बार कॉल किया आप वो चेक करो, मैं डेली कॉल कर रहा हूँ और ये कॉल्स आने की इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी रात को 2 बजे शुरू हो जाते हैं, कभी सुबह 12 बजे शुरू हो जाते हैं और ये फिर नॉन स्टॉप आते हैं, पहली कॉल कट नहीं हो रही तब तक दूसरी कॉल आ जाती है, इतनी। जी ये आपको एयरटेल की तरफ से कॉल आ रही है, क्या था नंबर पे कॉल आ रही है आपको? एयरटेल की तरफ से तो आ ही नहीं रही कोई, कभी कभी कैलिफोर्निया से आ जाता है, अमेरिका से आ जाता है, बायजूस की आ जाती है, बजाज फाइनेंस की आ जाती है, कभी किसी का OTP आ जाता है, कभी किसी का OTP आ जाता है, कुछ भी होने लग जाता है, वो भी OTP के लिए SMS आते हैं, SMS नहीं आ रहे, कॉल्स आ रहे हैं। हाँ जी OTP और SMS दोनों आ रहे हैं। SMS तो आ ही नहीं रहे मैम, कॉल्स आ रही हैं सिर्फ, SMS में कॉल्स में भी मुझे OTP बताया जाता है। ठीक है ठीक है, तो सर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ की रिगार्डिंग, मैं यहाँ से हाईलाइट करके कंप्लेंट मेंशन कर रही हूँ इस नंबर की रिगार्डिंग, तो प्लीज अभी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ से कंप्लेंट मेंशन करी हूँ हाईलाइट करके, तो आगे सब कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा, प्लीज बेहतर जानकारी के लिए जांच करी भेजा जा रहा है नंबर, अगर आपने मैसेज सेंड कर लिया है तो आप धीरे बोलो यार, इतना भागती जा रही हो सर। जो ये आपने मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड तो हो रहा है ना सर? मैसेज जा रहा है जैसे। हाँ जी हाँ जी, मैसेज भेजने में या रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी जी दिक्कत नहीं, मैसेज सेंड करने के बाद ही आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अपनी तरफ, आप मुझे ये बता दो पहले DND एक्टिवेट है मेरे नंबर पे? सर यहाँ से अभी DND जो हमने मैसेज सेंड किया है एक्टिवेट नहीं है। नहीं है ना, मैंने देखो मैंने कितनी बार ट्राई करा, मैंने कॉल भी कराया है 1909 पर, SMS भी कराया है, एयरटेल थैंक्स ऐप से भी करा हुआ है, ठीक है, पर ये हो ही नहीं रहा एक्टिवेट। तो वही चेक कर पा रही हूँ सर, अगर आपने इस चीज की रिगार्डिंग कंप्लेंट में मेंशन की हुई है। क्यों नहीं हो रहा फिर? जी हाँ जी, क्यों नहीं हो रहा फिर ये एक्टिवेट, क्यों नहीं हो रहा सर? इसी की बेहतर जानकारी के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है नंबर आपका आगे, अगर आपने मैसेज सेंड कर लिया, मैसेज सेंड करने के बाद भी अगर आपको DND सर्विस एक्टिवेट नहीं हो पाए तो कहाँ भेजना है? यहाँ से कंप्लेंट मेंशन नहीं है, बट सर बेहतर जानकारी के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है नंबर आपका आगे, तो प्लीज सर इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, 4 घंटे का वेट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से कॉल बैक करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सर आपको अपने नंबर। मुझे नहीं पता मैम, मुझे सिर्फ कॉल्स नहीं आनी चाहिए, मैं वेट नहीं कर रहा, मेरा सोल्यूशन अभी दो, मुझे अभी भी कॉल्स आ रही है वो बंद करो अब सडनली। हाँ जी सर, तो यहाँ से मैंने इसकी रिगार्डिंग कंप्लेंट मेंशन कर दिया, कंप्लेंट नंबर आपको मैसेज के थ्रू आ जाएगा, अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो। पहले धीरे बोलो यार, एक तो भागती जा रही हो इतना तेज, मतलब कहाँ इतनी जल्दी किस बात की है? सुनो मैंने पहले भी कॉल करी थी, मुझे लग रहा है आपके किसी एजेंट से बात हुई थी, पता नहीं सीनियर थे, एक बार विवेक से बात हुई थी, वो बोल रहे थे मैं DND यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ, उनसे भी नहीं हुई, ठीक है, 3-4 बार मैंने ट्राई किया, मुझसे भी नहीं हुई, आपकी एक सीनियर जो है रितिका नाम था उनका, उनसे किया था, उनसे भी नहीं हुई, फिर आप कनिका मैम थी शायद, उनसे भी करा था, नहीं हुई। जी तो क्या क्या चल क्या रहा है ये? जी तो सर मैं अभी के लिए आपको बताना चाहती हूँ, इस चीज की रिगार्डिंग कंप्लेंट मेंशन कर दी गई है, तो प्लीज वेट कर लेना, आगे सबको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा सर। जी इस चीज
कीजिए रिगार्डिंग यहाँ से जो आप मैसेज सेंड करे उससे अगर डीएनडी सर्विस लाइन में आपके नंबर पर कोई इशू आया है तो इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ से कंप्लेंट मेंशन कर दी गई है, तो आगे सबको प्रॉब्लम। तो आपको क्या लग रहा है मैम, क्या लग रहा है? पहले जब मैंने बात की उनको नहीं आता था, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप ही कर रही हो। सर मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर आपने पहले भी कंप्लेंट डाली थी नहीं हो पाया, तो इसी की बेहतर जानकारी के जांच के लिए भेजा जा रहा है आपका नंबर। आपको यहाँ से कॉल पर जो इशू आ रहा था, कोई जांच जूच के लिए नहीं भेजा जाता। अगर इतना ही सीरियस होते ना आप लोग कंसर्न को सॉल्व करने के लिए तो पहले ही हो चुका होता। दो हफ्ते से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपको कॉल बैक करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको नंबर भी बता रही हूँ, नंबर भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे कैसे भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा? मुझे अभी भेज दो, फिर मैं अभी बात कर लेता हूँ। अभी तो पॉसिबल नहीं हो सर, बात नहीं करनी होती, वो जांच के लिए भेजा जाएगा सर, नंबर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको क्या चेक कराओगी मैडम? क्या क्या चेक किया जाएगा नंबर में, मुझे ये भी बता दो सर। जो डीएनडी सर्विस आपके नंबर पे एक्टिवेट नहीं हो पा रही, अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हो यहाँ से कंप्लेंट मेंशन हो रही है, लेकिन कंप्लेंट मेंशन होने के बाद भी और आप मैसेज जो सेंड कर रहे हो अपने हैंडसेट से उसको सेंड करने के बाद अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी की बेहतर जानकारी के लिए सर जांच के लिए भेजा जा रहा है नंबर आपका। आपने कॉल चार घंटे कॉल के स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि आप सीनियर हो, सीनियर सुपरवाइजर बताया था शायद आपने, है ना? कंटिन्यू तो मैम अब आप किसके पास भेज रही हो चेक कराने के लिए? सर वो जांच के लिए भेजा जाएगा सर, नंबर अभी आपका आगे कंप्लेंट तो यहाँ से भी सेम वही मेंशन हो रही जो पहले हुई थी, बट अगर कंप्लेंट वही इशू आ रहा है, अगर की कंप्लेंट मेंशन होने के बाद भी आपके नंबर पे प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट मेंशन होने के बाद भी सर्विस आपके नंबर पे एक्टिवेट नहीं हो पा रही, तो इसी की बेहतर जानकारी की जांच करने के लिए भेजा जा रहा है, तो 3 से 4 घंटे का वेट करिएगा, आपको यहाँ से कॉल बैक करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नहीं जी मुझे नहीं पता, मुझे कॉल्स अभी बंद चाहिए मेरी जो अभी आ रही है मेरे स्क्रीन पे। ठीक है सर, तो अभी वेट करना पड़ेगा सर आपको, उसके लिए माफी चाहेंगे। मैं वेट नहीं कर सकता, मैं 2 हफ्ते से वेट ही कर रहा हूँ। मैं बड़ी बड़े प्यार से पेश आ रहा था इतने दिनों से, कहाँ समझ पा रहे हो मैम? अगर समझ पा रहे होते तो अब तक कॉल नहीं आती मेरे पास। मैं 2 हफ्ते से कुछ नहीं कह रहा था ना, मैं सिर्फ कॉल करके आपको बता रहा था, चार घंटे का वेट। पर आप लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हो इस बात को। 3-4 घंटे का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम। आपको पता है आपका एयरटेल थैंक्स ऐप का सर्विस कितना गंदा है? वहाँ पे ईमेल रजिस्टर करो वो नहीं होता है, डीएनडी एक्टिवेट करो वो नहीं होता, और तो कुछ मैंने ट्राई नहीं करा वहाँ पे। किस काम के लिए बनाया उसे? मुझे मेरी कॉल्स बंद चाहिए, आप वो करो मैं फोन रखूं, इतना बेला नहीं हूँ मैं आपसे बात करने के लिए जी? आप यार मेरी कॉल्स जो आ रही है मुझे नॉनस्टॉप, आप इसे प्लीज बंद करो। हाँ जी, तो प्लीज वेट कर लीजिए, 4 घंटे का वेट कर लीजिएगा। 4 घंटे का वेट क्यों करूं मैं? मैं 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से आपको कॉल कर रहा हूँ, उससे पहले तो मैं खुद ही ट्राई कर रहा था डीएनडी के लिए। बट ओनली अभी इसके लिए तो 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा सर, आगे से आपको इशू फेस। ऐसा कैसे मान लूं जब पिछले 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से नहीं हुआ बंद, तो आप ये 4 घंटे में बंद करा दोगी? प्लीज ओनली 4 घंटे का वेट कीजिएगा। कैसे ऐसे कैसे 4 घंटे में हो जाएगा ये? सर बेहतर जानकारी के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है नंबर, तो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा आपको आगे से। समझ ही नहीं रही मैम, मानने को तैयार नहीं हो आप तो मेरी बात बिल्कुल भी, है ना? सर मैं वही बता रही हूँ सर, क्योंकि जांच के लिए भेजा जा रहा है, प्लीज सर अभी के लिए वेट कर लीजिएगा, आगे से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा सर आपको। ऐसे कैसे कैसे मान लूँ कि आगे से ये इशू आएगा ही नहीं मुझे, क्योंकि सॉल्व तो आप भी नहीं करके दे रहे, आप सिर्फ 4 घंटे के लिए बात टाल रही हो, जैसे मर्जी मैं फोन कट करूं फिर वही काम जो मुझे 2 हफ्ते से मैं धक्के खा रहा हूं फिर से खाऊंगा। सर मैं ये नहीं कह रही कि 4 घंटे के बाद इशू सॉल्व हो जाएगा, मैं कह रही हूं कि 4 घंटे का वेट करो, उसकी बेहतर जानकारी के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है सर आपका नंबर आ गया, आपको कॉल बैक करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या जांच कराएंगी आप, और 4 घंटे में क्या हो जाएगा जो मुझे 2 हफ्ते से नहीं हो पा रहा? जांच करा रही है ना सर, जो आपको इशू आ रहा है, जो इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, 2 हफ्ते से क्यों नहीं कराया मैम फिर ये? और फिर आपके सीनियर से मैंने पहले भी तो बात की थी ना, फिर उन्होंने क्यों नहीं बोली ये बात, क्यों उनके लिए ये जरूरी नहीं था? हाँ जी, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा सर अभी के लिए। फिर आप वही बात मुझे ये बताओ ना, उनके लिए ये जरूरी नहीं था क्या? हाँ जी, उनके लिए ये जरूरी नहीं था, मेरी प्रॉब्लम उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उन्होंने क्यों नहीं जाँच कराया मैम? अच्छा आप लास्ट कॉल देखो मेरी कब की है, मुझे डेट बताइए जरा, मैं भी 3-4 दिन पहले की है। जी सर, 2 दिसंबर को आपने कॉल की थी सर, काफी टाइम हो गया, तो उन्होंने मुझे ये बात क्यों नहीं बोली कि आप मेरा नंबर जांच कराया जाए? क्यों उनके लिए 2 तारीख को आपने कॉल की थी और 7 दिन के बाद कंपनी की तरफ से जो कंप्लेंट होती है वो रिजॉल्व होती है 7 दिन के बाद। हाँ, मैम 7 दिन के लिए डीएनडी एक्टिवेट होता है, 7 दिन में डीएनडी एक्टिवेट होता है। डीएनडी कहाँ एक्टिवेट हो, डीएनडी तो मैंने 2 हफ्ते पहले एक्टिवेट करी थी। वही बता रहे सर, अगर आपने पहले भी डाली थी दोबारा से, हमने जो पहले हमने 1 तारीख को कॉल की, उसके बाद हमने फिर 2 तारीख को कॉल की थी, और 2 तारीख को इस चीज की रिगार्डिंग यहाँ से कंप्लेंट मेंशन हुई है, तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज सर वेट कर लीजिएगा थोड़ा, उसके बाद आपको जो इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा सर।
ऐसे कैसे मैम, कैसे 4 घंटे में, मैं ऐसे कैसे मान लूंगी 4 घंटे? तो अभी तो सर जो आपने 2 तारीख को कॉल की थी, जो कंप्लेंट मेंशन हुई थी, उसकी ड्यू टाइमिंग तो अभी कल तक की है ना सर, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा सर, इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा मैम, आप मुझे मेरी सॉल्यूशन मेरे नंबर पे मुझे अभी करके दो। सर कल 2 तारीख को आपने सर कॉल की थी, प्लीज सर वेट कर लीजिएगा सर अभी के लिए, ठीक है सर? ऐसा नहीं हो पाएगा मैम, आप मेरी सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करो अभी, मेरी कॉल्स मुझे चाहिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंप्लेंट डाली गई है, कंप्लेंट की जो ड्यू टाइमिंग रहती है वो 7 दिन की रहती है, तो प्लीज 7 तारीख तक, जो 7 दिन की 1 वीक की मोहतरमा, 7 दिन तो उसे एक्टिवेट होने में लगते ना, तो वो तो मैंने 2 हफ्ते पहले करी थी, अब तक क्यों नहीं हुआ फिर? तो प्लीज जो ये कंप्लेंट गई है तो उसका तो वेट कर लीजिए, कल से काफी टाइमिंग है और अभी आपको कॉल बैक करके इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा। क्या कॉल करके क्या दोगे आप लोग, क्या दोगी कॉल करके मैम? आपको जानकारी मिल जाएगी सर, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा। कौन सी जानकारी मिल जाएगी, आप तो दे नहीं दी हो, अब पता नहीं कौन सी किससे बता रही, मैं ऐसे कैसे मान लूं? ये हमारी आज की छोटी सी बकचोदी जिससे हमने शुरुआत की आज के दिन की। वैसे कंचन मैम मेरी सीनियर है, मिलेंगे हम फ्लोर पे जाकर, देखते क्या रिएक्शन रहता है। तो गाइस बताना कैसा लगा ये बकचोदी, खुद भी ट्राई करा करो कभी कभी, मज़ा आएगा बहुत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।